गुड इवनिंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फॉर 15 डेज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नाउ मेनी ऑफ यू आर वरीड अबाउट द एग्जाम डेट्स एंड नोटिफिकेशंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दीज। महाराष्ट्र बीइंग ए one of the big states in country, it naturally has implication on everything. May it be economy, may it be exams, may it be any other thing. So it cannot be said that there will not be any effect. Effect will be there. How much will be the impact? What will be the severity of impact? That we will come to know in coming days. Notifications may be delayed in respect of SBI or they may come on time. It is difficult to predict at this stage. As far as IBPS schedule is concerned, it was likely to be coming from June onwards, so still there is a time because these restrictions are in the month of April. So I feel that it will have little impact as far as IBPS schedule is concerned. Some of you are asking, sir, even if that is affected, whether they will continue to hold the exam on old pattern or it will shift to CET or not. I doubt that if there is any deferment, the pattern will change. Because if exams are delayed, that means even the implementation of CET will also be delayed. So on that score, you need not worry. So what should be our approach to handle the emerging situation? Like last year, I always advise you to remain focused on our study. Certain events are not in our hands, and we need not waste our energies on discussion on these events. So as and when situation comes under control, the exams will definitely happen. So the right approach is continue our focus on study and remain exam ready. And this is the experience of last year, and this may be the experience of this year also. And we should wish and pray to the God that this problem will be solved soon and governments will be able to take care of this situation. God bless you all. Ab yahi baatein hum Hindi mein karenge. Aaj Maharashtra sarkar ne kafi pratibandh announce kiye hain agle 15 din ke liye. और इस न्यूज़ के आते ही आप में से काफ़ी लोगों का ये प्रश्न है कि सर एग्ज़ाम्स और नोटिफिकेशंस का क्या होगा। नेचुरल है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पर यदि कोई प्रतिबंध आते हैं तो उसका इम्पैक्ट इन चीज़ों पे पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए जो स्टेट बैंक के नोटिफिकेशंस हैं उन पे इम्पैक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, मतलब ये बहुत जल्दी है जिसके अंदर हम इस पे कोई निर्णय पे पहुंच सकते हैं या कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर वो डिले भी हो सकता है। जहां तक आईबीपीएस का सवाल है, आईबीपीएस का फर्स्ट नोटिफिकेशन जून में आना था, तो क्योंकि जून में अभी काफ़ी वक्त है और रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 15 दिन की हैं और हमें होप करनी चाहिए कि 15 दिन में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए गवर्नमेंट, तो इसलिए आईबीपीएस के नोटिफिकेशंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें यह आशावादी होना पड़ेगा कि इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, पर क्या होता है ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। एक लोगों के मन में चिंता ये आ रही है कि अगर एग्ज़ाम ज़्यादा डिले हो गए तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पुराने पैटर्न की बजाय सीईटी में चले जाएं ये एग्ज़ाम। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि एग्ज़ाम्स किसी कारणवश पुश होते हैं आगे
तो सीईटी की इम्प्लीमेंटेशन भी पुश होगी। इसलिए सेफ रिकॉर्ड्स क्या है कैंडिडेट्स के लिए, जब भी अनिश्चितता का वक्त आता है तो उसमें सेफ रिकॉर्ड्स यही बनता है कि हम अपना काम करते रहे, हम अपना फोकस पढ़ाई पे बनाए रखें और हम एग्जाम रेडी रहें। जब भी हालात काबू में आएंगे एग्जाम्स होंगे, ये हमारा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस भी कहता है और इस साल भी ऐसा ही होगा। तो हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है, फजूल की डिस्कशन से हमें बचना है, क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं फ्लड ऑफ नेगेटिव न्यूज़ भी आएगी, उससे हमें अपने को शील्ड करना है। हमें अपना काम करना है, सरकारें अपना काम करेंगी, बोर्ड अपना काम करेंगे, सबको अपना अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम करते रहें, निरंतर पढ़ाई पर ध्यान दें और जो हमारा शेड्यूल चल रहा है डेली एग्ज़ाम की तैयारी का, वो हम कंटिन्यू रखेंगे और हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे, अडिग रहेंगे। लास्ट ईयर भी जिन्होंने ये सलाह मानी और रास्ते पे चलते रहे, अंततः उनको फ़ायदा हुआ। तो आप लोगों को भी मेरी यही सलाह है, अपने काम पे जुटे रहें, जो परिस्थितियां हैं सबके सामने हैं, विषय चिंता का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमें साहसी होके इस समस्या का मुकाबला करना है और ईश्वर चाहेगा तो इसमें भी सफलता ज़रूर मिलेगी और अल्टीमेटली चीज़ें नॉर्मल होंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।